नमस्कार, मैं भावना सोनी, आप देख रहे हैं आवाज डेली हरसी टीवी। बिहार और झारखंड का मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडर प्रद्युमन शर्मा को हजारीबाग जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये झारखंड पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दोनों राज्यों की पुलिस प्रद्युमन की लंबे अरसे से तलाश कर रही थी, जो न केवल झारखंड बल्कि मगध जोन एवं बिहार के अन्य हिस्सों में सक्रिय था। 90 से ऊपर मामले न केवल दोनों राज्यों में उस पर दर्ज है, बल्कि झारखंड में 25 लाख और बिहार में 50,000 का इनामी है। एसपी के रूप में मनोज रतन चौथे के योगदान देने के बाद यहां पुलिस को उग्रवादी के खिलाफ ये बड़ी उपलब्धि मिली है। आइए इस पर देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस ने इनामी माओवादी कमांडर प्रद्युमन शर्मा को चौपारण थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जिले की पुलिस को मिली इस सफलता ने यहां सभी को उत्साह से भर दिया है। इसे लेकर एसपी मनोज रतन चौथे ने गुरुवार को आहूत पत्रकार सम्मेलन में पुलिस की इस उपलब्धि के बाबत जानकारी दी है। बताया कि चौपारण थाना क्षेत्र में कमांडर प्रद्युमन शर्मा का दस्ता के साथ चौपारण के दासी कर्मा इलाके में सक्रिय है, जिसके बाद टीम गठित कर एसपी अभियान निगम प्रसाद को इस काम में लगाया गया। छापामारी टीम ने घेराबंदी करते हुए इस इनामी नक्सली को धर दबोचा, जिस पर बिहार में 50,000 और झारखंड में 25 लाख का इनाम है। एसपी ने बताया कि 10 अगस्त 2019 को प्रद्युमन शर्मा के दास्ते के साथ आखिरी बार पुलिस की भिड़त हुई थी, जिसके बाद वह बचकर भाग निकला था। इस मुठभेड़ में हजारीबाग में हुई थी और इसमें उसके दस्ते का सदस्य लालदास मोची मारा गया था। ये भी बताया गया कि प्रद्युमन मगध जोन का सबसे महत्वपूर्ण कमांडर रहा है। वह न केवल कमांडर बल्कि स्पेशल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य भी था, साथ ही ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के शीर्ष नेताओं के संपर्क में भी वह रहता था। उसकी सक्रियता के कारण बिहार झारखंड में उस पर 90 से अधिक मामले दर्ज थे। एसपी ने यह भी बताया कि सर्च अभियान के दौरान प्रद्युमन ग्राम कोठो के डूमर पहाड़ के नीचे उतरता दिखा, जिसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी दिखा, पर पुलिस पार्टी को देख दोनों भागने लगे। इसी में प्रद्युमन पकड़ा गया और पूछताछ में उसने अपना नाम प्रद्युमन शर्मा उर्फ कुंदन उर्फ साकेत उर्फ तुल्ला बताया है। हजारीबाग से सोनू केसरी एवं प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। बताया जी, मुझे एक गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सल जो भाकपा माओवादी का एक बहुत बड़ा शीर्ष नेता चौपारण एरिया में हजारीबाग के अपने दस्ता सदस्यों के साथ मिलने के लिए आने वाले हैं। तो उसी गुप्त सूचना का हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए एक टीम का गठन किया, जिस टीम का नेतृत्व हमारे एएसपी अभियान निगम प्रसाद कर रहे थे। उनके साथ में सीआरपीएफ के 2IC अजित कुमार थे। इस टीम का गठन करने के उपरांत हम लोगों ने एक जो टीम बनाई थी, इन्हें चौपारण क्षेत्र के दासीकर्मा कोठो बुकाड़ गढ़मोड़वा पत्थलगढ़वा ये एरिया में अभियान के लिए भेजा था। कल सुबह 6 बजे के आसपास में जब हमारी टीम उस जगह पर पहुंची, तो दो व्यक्ति हमें आते हुए दिखे। जैसे ही पुलिस उनके तरफ बढ़ना चाही, उसमें से एक व्यक्ति जंगल और फर्स्ट लाइट का फ़ायदा लेते हुए भाग गया। दूसरे व्यक्ति को हमारे बहादुर जवानों ने खदेड़ के पकड़ा। पूछताछ के बाद उस व्यक्ति ने अपना जो नाम है वो प्रद्युमन शर्मा बताया। ये प्रद्युमन शर्मा और कोई नहीं है, ये भाकपा माओवादियों का सैक मेंबर है, जिसके ऊपर झारखंड सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम रखा गया है। बिहार सरकार का भी इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है। ये एक बहुत बड़े और शीर्ष नेताओं में से एक आते हैं सीपीआई माओइज्म के। ये हमारा ये मानना है कि ये ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का एक महत्वपूर्ण है, और ईआरबी के जितने सारे महत्वपूर्ण नेता है इनके सबसे पर्सनली ये टच में रहते थे। अरविंद जी हो गए, जो अभी जिनका 3-4 साल पहले निधन हो गया, उनके टच में ये थे। किशन दा हो गए, उनके अतिरिक्त जितने भी सीसी और पीबी मेंबर्स थे उनके ये टच में हमेशा रहते थे, और संगठन का विस्तार के दिशा में इनका एक अहम रोल रहा है। 1996 से ये सीपीआई
माओइस्ट कम्युनिस्ट जो ये मूवमेंट है इसमें शामिल हुए थे उस